हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MR एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। राजस्थान आवासन मंडल की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देखते हैं कि पूरी अपडेट, कितने पदों पर भर्ती है और कौन कौन से पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन 12/7/2023 को यानी कल जारी किया गया था रात में, और सीधी भर्ती 2023 राजस्थान आवासन मंडल की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। पहला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्रामर, जिसके 6 पद हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर सूचना सहायक, जिसके 18 पद हैं। परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिग्री, जिसके 40 पद हैं। परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा, जिसके 60 पद हैं। परियोजना अभियंता कनिष्ठ विद्युत डिग्री, इसमें 11 पद हैं। और वरिष्ठ प्रारूपकार, इसमें 4 पद हैं। कनिष्ठ प्रारूपकार, जिसके 10 पद हैं। तो इस प्रकार से विधि सहायक कनिष्ठ विधि अधिकारी, इसमें 9 पद रखे गए हैं। और कनिष्ठ लेखाकार, इसमें 50 पद रखे गए हैं। और कनिष्ठ सहायक यानी LDC की भर्ती, जिसमें 50 पद रखे गए हैं। तो टोटल इसमें 258 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें जो ये सारे वैकेंसी हैं और इसके जो फॉर्म हैं, वो 19 जुलाई 2023 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें आयु योग्यता सब आपको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी सारी। और इस प्रकार से भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यह बिना CET की भर्ती प्रक्रिया है। बिना CET के इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने भी इस भर्ती को CET में शामिल नहीं किया गया है, जिन अभ्यर्थियों ने CET का एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उनके लिए जो ये LDC और कनिष्ठ लेखाकार की ये जो भर्ती है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इसके आवेदन 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो कि राजस्थान आवासन मंडल में बहुत लंबे समय बाद इस भर्ती को निकाला गया है। ये इसकी अपनी पर्सनल भर्ती है, राजस्थान आवासन मंडल ही इस वैकेंसी को करवाता है। तो राजस्थान में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की नई भर्ती के नोटिफिकेशन, नई अपडेट पाने के लिए वो सबसे पहले हमारे चैनल पे।